एमएस एक्सेस की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास से मैंने आपको एमएस एक्सेस इंट्रोड्यूस किया था कि एमएस एक्सेस क्या होता है, कैसे होता है। अब हम एमएस एक्सेस के अंदर आपके साथ बात करेंगे टेबल्स बनाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है इसके बारे में। आपने शायद मैंने बताया था कि रिसर्च करके कुछ टेबल्स बनाने के लिए आपने बनाया होंगे। चलिए हम भी कुछ टेबल क्रिएट करते हैं, बट आपने मुझे भेजा नहीं सर। हाँ नहीं, मैंने हाँ नहीं, भेजा मैंने था भेजा आपको था आपको, मेल। मेल मेल किया था। माफी हाँ चाहूंगा, मैं अच्छा, मेल चेक नहीं किया हूं, मैं चेक लूंगा क्लास के बाद। चलिए हम बताते आपने हैं मेल आईडी टेबल्स के दिया बारे था ना में। मुझे, इसलिए मैंने हाँ मेल ही हाँ किया था। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करता हूँ। टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ डिजाइन। डिजाइन में जाने से पहले टेबल नेम को सेव करना होता है, तो मैंने इसका टेबल नेम डेटा सेव कर दिया। ठीक है, डेटा अच्छा सेव करने के बाद यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका आईडी नंबर और ऑटो नंबर होता है। इसको जैसा छोड़ना है छोड़ दीजिए, अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते। ठीक है, अब मैं क्या है कि मैं एक बैंक के अकाउंट डिटेल्स बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अकाउंट नंबर डालू, और अकाउंट नंबर, अब यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है वो हम टैक्स रखते हैं। क्यों रखते हैं टैक्स? रीजन ये है कि मेरा जो अकाउंट नंबर है वो नॉन कलेक्टेटिव है, इससे मैं टैक्स रखता हूँ। लेकिन जब टैक्स रखते हैं तो जो भी आप यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी। ये 255 दिख रहा है, तो 255 हाँ मतलब कि 255 करेक्ट है, मतलब कि अकाउंट नंबर में 255 डिजिट तक लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे हाँ अकाउंट डिटेल ओके जो है मान लीजिए कि 12 डिजिट का है, तो मैंने यहाँ पे 12 डिजिट डाल दिया, तो 12 डिजिट से ज्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बट 12 डिजिट से कम एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 12 डिजिट से कम भी एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, ओके तो यहां हमें वैलिडेशन, आपने एक्सेल के अंदर में डेटा वैलिडेशन पढ़ा था याद होगा, हाँ 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 सेम यहां भी वैलिडेशन रूल आता है। तो यहां पे मैं लोला की लेन लेन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में अकाउंट नंबर को डाल दिया मैं, और ओके मैंने बोला कि ए इक्वल टू 12 होना चाहिए। अब लेन क्या है? अच्छा लेन अच्छा एक फॉर्मूला है जो कि किसी हाँ भी फील्ड के एक्सेल में जैसे अंदर लेन टेक्स्ट डालते का हैं लेंथ ना। देता है। एक्सेल फॉर्मूला सेम इसी तरह से। फिर आता है ओके वैलिडेशन ओके रूल, मतलब कि अगर गलत होगा तो क्या मैसेज देगा। तो मैंने यहां पे डाल दिया कि प्लीज एंटर 12 डिजिट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब इसको एक बार ठीक सेव करके मैं आपको दिखाता हूं। से डबल क्लिक किया, डेटा में गए। अब यहां पे जैसे मैं यहां पे एक दो डिजिट लिख दूंगा तो देखिए मैसेज है, यह मैसेज। हाँ तो मुझे यहां ओके पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लिया। अभी ले लिया। तो किसी भी डेटा, किसी भी फील्ड के अंदर में आप कुछ वैलिडेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूं वही एंट्री हो, उस केस में क्या लगाते हैं? वैलिडेशन रूल। ठीक है, हाँ ओके और वैलिडेशन टेक्स्ट किसके लिए होता है? वैलिडेशन टेक्स्ट होता है कि जो आपने एंट्री किया है, जो आपने रूल दिया है, अगर रूल फॉलो नहीं होता है तो पॉपअप में किस तरह का मैसेज आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है अब यहां, अब यहां पे आते हैं। अब यहां पे देते हैं हम इनको यहां पे नेम, तो सी नेम दिया, नेम मरा रहने देते हैं, सिंपल आएगा। अब यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, ताकि अगर कल के में चेक करेगा तो पता चलेगा कि सी नेम क्या है। तो यहाँ पे लिख दिया कि एंटर कस्टमर नेम। हल ये जो चीजें है यूजर के लिए नहीं है, किसके लिए है? ये चीजें प्रोग्रामर के लिए, जो हैंडल कर रहा है उसके लिए है। उसके बाद अच्छा, मैं यूजर को नहीं यूजर को नहीं, दिखेगा। जी 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 नहीं दिखेगा। फिर यहां पे आता है एड्रेस, एड्रेस भी हम छोड़ देते हैं 255 करेक्टर।
फिर यहाँ पे आते हैं सिटी। अब जो सिटी मेरा है ना, मैं चाहता हूँ कि सिटी जो है सिलेक्टेड है, मतलब कि मेरा जो बिजनेस है वो सिलेक्टेड सिटीज में है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा कस्टमर वही ओके सिटी यूज करे, मतलब कि मैं ड्रॉप डाउन बनाना चाहता ओके हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे लुकअप विजार्ड, क्या लेंगे? लुकअप विजार्ड। ओके लुकअप विजार्ड में हम जाएंगे, यहाँ पे दो चीज होगा कि आई विल लुकअप द फील्ड फ्रॉम द अनदर टेबल, और दूसरा यहाँ पे आ रहा है आई वॉन्ट टू टाइप द वैल्यू। मैंने क्या किया, आई वॉन्ट टू टाइप द वैल्यू वो किया, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप अपने सिटी टाइप कर लो। अब ऐसा टाइप इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं किसी और टेबल से या क्यूरी से भी इसको ले सकता था, बट फिलहाल हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे की चीज सीखेंगे तो आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, ओके अब यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे पटना, दिल्ली, नोएडा। एंटर पेस मत कीजिए, ठीक है? एंटर करेंगे तो ओके हो जाए। कानपुर, अच्छा नागपुर, एरो की सीरीज चाहिए, उदयपुर, मोहनपुर, इंदौर, एल सिटी दे दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है? और यहाँ ओके यस कीजिए और जाइए डेटा पे। तो देखिए इस पे क्या आ गया, आपका कस्टमर नेम तो है, इस पे एड्रेस भी है, इस पे डालते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन ड्रॉप ओके डाउन, अब मैं यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेट। और डेट रिजर्व वर्ड है, ठीक है ना सर? ओके कर देंगे तो डेट ले लेगा, लेकिन आगे चल के थोड़ी सी परेशानी होगी। आपका स्क्वायर जब भी फिल यूज करेंगे, आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है ना? इसमें मैं डेट एंड टाइम को ले लेता हूँ। किसको? डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम जो आप लेते हैं तो नीचे देखिए आपके सामने आता है, सबसे पहले आता है फॉर्मेट। इस डेट एंड टाइम का फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, ठीक अच्छा है? ओके जैसे आप डेट डालना चाहते हो डेट सेलेक्ट कर लें, और टाइम डालना चाहते हो टाइम सेलेक्ट कर लें। तो मैं ए वाला डेट फॉर्मेट ले लेता हूं। और यहां पे आता है कैप्शन। कैप्शन मतलब कि यहां पे डिफॉल्ट क्या आना चाहिए, तो डिफॉल्ट पे मैं डेट डाल देता हूं, ठीक है? अच्छा ओके डेट डाल दिया, बाकी नहीं, ठीक कैप्शन ही माफ कीजिएगा, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, डेट डाल। अब डेट इन्वर्टेड कोमा में ले रहा है यहाँ पे, डेट। ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे इसको हम सेव करते, लेकिन नहीं होगा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। ये आपका यहाँ पे आ गया, डिफॉल्ट डेट आ रहा, दिख रहा? हाँ, सर वो इक्वल डाल दिया था, नहीं इक्वल भी नहीं डालेंगे तो चलेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट डेट आज की डेट ले ली, हाँ हाँ ठीक है? यहाँ पे बोले हाँ ले सर लिया यहाँ ओके पे क्यों नहीं है, जी तो सर बेसिकली हमने जब यहाँ एक एंट्री एंट्री कर दी तो सिस्टम समझ गया कि ये ब्लैंक रहेगा, मतलब ब्लैंक को एज ए वैल्यू मीन रीड कर लिया, और जो डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा न्यू एंट्री करते समय आपको दिखेगा, ठीक है? अच्छा ओके इसलिए आप पहले टेबल बना ले, उसके बाद ही कुछ डाइप टाइप करें। तो यहाँ हमने डेट लगाया, तो डेट क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट को दिखाता है। क्या दिखाता है? सिस्टम डेट को शो करता है। तो एक्सेल तो से जैसा एक्सेल टुडे जैसे टूडे फॉर्मूला है इन द फॉर्मूला डेट है, डेट हाँ जी हाँ, जैसे एक्सेल टूडे है ऐसे यहाँ पे डेट, क्लियर है? ठीक हाँ, है और डेट के अंदर कुछ डालना नहीं है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिए, ठीक है? ओके ओके बट अब यहाँ पे मैं डालना, बोलिए क्या बोल ये रहे हैं? डेट मैंने मैंने डाला डाला ये जो ये जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट आज का डेट ले आज रहा है ले रहा है, बट बट अगर जैसे जैसे डेट डेट पिकर होता है पिकर होता है। डेट पिकर देखिए डाले देखिए तो वो देखिए देखिए आएगा वो आपने ऑप्शन सही समझे नहीं, डेट जो हमने डाला तो यहाँ से डेट पिकर, तो डेट पिक पिक करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ मैंने हाँ डिफॉल्ट वैल्यू में डेट का फॉर्मूला लगाया है। क्या लगाया है? डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू बस समझे,
कि बाय डिफॉल्ट उस पर टाइप मतलब होके बाय आएगा, डिफॉल्ट वो आप आएगा। ओके चेंज कर सकते हैं। ओके ठीक है। ओके, इससे क्या होगा कि इसका यूज हम कब करते हैं, मान लीजिए कि आप ज्यादातर जो इंजरी करते हैं वो आप अपने ज्यादातर जो इंजरी करते हैं वो आप किसमें करते हैं, आप अपना नीस में हिस्ट्री करते हैं, आप हिस्ट्री सेम डेट को करते हैं, सेम डेट को करते ठीक है। हैं। जब सेम डेट को आप अगर ज्यादा इंजरी अगर आप कर रहे हैं, तो आप अगर डिफॉल्ट आपका अगर स्ट्रेंथ सिस्टम डेट आ जा रहा है, तो आपके लिए सहूलियत है ना, डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या गलती से किसी ने डेट नहीं डाला तो आज का डेट डला रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा, हाँ हाँ समझ गए ना, इसलिए यूज करते हैं। लेकिन आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं, ठीक डेट कुछ भी हो सकता है, आज का डेट तो होगा ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो आप यहां पे ये चीज हटा दीजिए, ठीक ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां पे प्रोडक्ट डालना हूं, क्या डालना हूं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को भी मैं यहां पे जो है टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देता हूं। उसके बाद मैं यहां पे क्वांटिटी रखता हूं, क्या रखता हूं, क्वांटिटी। क्वांटिटी में मैंने यहां पे नंबर सेलेक्ट कर दिया, क्या सिलेक्ट कर दिया, नंबर। अब नंबर में यहां पे क्या है, लॉन्ग इंटीजर है, क्या है, लॉन्ग इंटीजर। अब लॉन्ग इंटीजर जी होने से क्या, अगर मैं यहां पे बाइट कर दूं तो क्या होगा, ये 255 तक का ही नंबर लेगा। अगर मैं यहां पे इंटीजर कर दूं तो क्या होगा, 32,000 समथिंग ही ले पाएगा, उससे ज्यादा के अमाउंट डालेंगे तो नहीं लेगा। उसके बाद नीचे आता है लॉन्ग इंटीजर, तो लॉन्ग इंटीजर क्या करेगा, लॉन्ग इंटीजर का काम है कि कोई लंबा भी डाल सकते हो, लेकिन डेसिमल यहां नहीं डलेगा, क्या नहीं डलेगा, डेसिमल नहीं डलेगा, ठीक ओके है। okay. बट वो लेकिन अगर लास्ट मैं में जो डेसिमल क्लॉस ऑप्शन का था, ऑप्शन था, हाँ डेसिमल सिलेक्ट कर देंगे तो डेसिमल डलेगा, वही बता रहा हूँ आपको, चिंता मत कीजिए। अच्छा अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर अगर मैं डालता हूं तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसी में अगर मान लीजिए मैंने 50.636 किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, 36 को गायब कर दिया, समझ गया। ओके तो हाँ डेसिमल हाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ओके ओके जैसे कि मैं यहां पे एमआरपी डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, एमआरपी। अब एमआरपी मेरा नंबर, ठीक है, लेकिन इसमें डेसिमल लेगा, तो मैं यहां से इसको डबल या डेसिमल सेलेक्ट कर दूं, ठीक है। और यहां पे आप डेसिमल सेलेक्ट कर दिया, अब यहां पे इसको करता हूं यस। अब मैं यहां पे एमआरपी में अगर मान लीजिए कि 15.36 कर दिया, तो अब टाइप प्रेस करता हूं, एक भी 15 आया तो नहीं, यहाँ पे डेसिमल नहीं, यहाँ पे अरे सेलेक्ट हो रहा, डबल डेसिमल कुछ और होता है, डबल डेसिमल प्लेसेस ऑटो है, तो मैंने बोला कि दो डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, ठीक है ना। अभी अच्छा ओके डेसिमल के लिए डबल यूज कीजिए, डेसिमल अलग है, उसके लिए कभी यूज होता है जब बहुत बड़ा नंबर होता है ना सर, जो लॉन्ग इंटीजर भी नहीं ले पाता है, उस केस में इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर 25.36 टू की डाल दिया, ठीक है। अब बोले सर आपने तो दो डेसिमल प्लेस लिया था, तो मैं दो डेसिमल प्लेस लगा था कि बाय डिफॉल्ट दो डेसिमल प्लेसेज होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कम इंट्री करेगा तो कम आएगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा आएगा, ठीक है। ठीक तो डेसिमल समझ में आ गया आपको, है। डेसिमल समझ आया। हाँ बट अगर डेसिमल प्लेसेस मैंने यहाँ पे दो दिया ना, दो आ रहा। हाँ तो तो जैसे एक्सेल में होता है मैं डेसिमल प्लेसेस डिफाइन कर सकता हूँ, जी, तो तो यहाँ पे यहाँ पे डिफाइन नहीं कर डिफाइन नहीं सकता कर क्या? सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है, दो डिस्टर्बेंस, देखिए दो से अगर ज्यादा डालते हो तो वो नहीं डालो, ज्यादा ही दिखाएगा, डेटाबेस है ना सर, इसमें रिमूव नहीं करेगा। हाँ बट हाँ मुझे मुझे अगर अगर ज़्यादा ज्यादा इनपुट नहीं इनपुट करना नहीं है कर जाए तो नहीं,
मतलब मानिए कि मेरे को सिर्फ मेरे को 5 डेसिमल प्लेस चाहिए या चाहिए, दो दो डेसिमल प्लेस तक डेसिमल ही प्लेस। चाहिए यहाँ आपको। पे, यहाँ पे अपना डेसिमल प्लेसेस डाल, जो डालना है हम डाल देते, दो डाल दिया हमने, और यहाँ पे हमने नंबर में डेस डबल लिया और दो डेसिमल प्लेसेस डाल दिया, राइट। अब यहाँ हम डेटा में आ गए। अगर मैंने यहाँ पे अगर क्लाइंट डाल के डेसिमल प्लेसेस डाल दिया ज्यादा, ये ज्यादा ले लेगा, ऐसा नहीं कि दो डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देगा, नहीं। अच्छा ओके ठीक है ना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए डिसिप्लिन से ज्यादा देगा देगा। ठीक है, ओके अब ठीक है यहां पे मैं डालता हूं, यहां पे डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ डिस्काउंट परसेंटेज, हाँ ठीक है। और इसमें आते हैं, इसमें भी हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ठीक है नंबर के अंदर यहाँ लॉन्ग इंटीग्रल की जगह पे हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं डबल, ठीक है। और इसके नीचे जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। ऐसा क्यों, अब हाँ परसेंट में डबल क्यों, क्योंकि एक्सेल हो या एक्सेस हो, जो हमारा नंबर होता है ना वो हमेशा डेसिमल्स होता है, परसेंटेज हमारा डेसिमल्स होता है, इसलिए, ठीक है। जैसे डेसिमल्स लिया, अब यहां पे मुझे अगर 5% डालना है तो 5 डालूंगा, ऑटोमेटिकली परसेंट आ गया, आ गया आ गया ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या आ गया, परसेंट आ गया, परसेंट का है। अब यहाँ पे ठीक हम अमाउंट निकालना चाहते हैं, अब यहाँ पे नई चीज सीखी, अब अमाउंट मैं मैनुअल टाइप नहीं करना चाहता, मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे पास एमआरपी है, मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज है, तो फिर हम कैलकुलेशन क्यों नहीं कर, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके अमाउंट बना दें। तो आप एक्सेस में टेबल के अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना होगा कैलकुलेटेड के अंदर, किसके अंदर, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटर कैलकुलेटेड में आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, ठीक है, ये क्या ओके निकल गया, ये निकल गया मेरा ये अमाउंट निकल गया। आप इसमें हम से मुझे डिस्काउंट परसेंटेज करना है मल्टीप्लाई, नहीं इसमें से डिस्काउंट, इसमें से माइनस करना है ना, मैं माइनस, दैट ब्रैकेट में माइनस एक और ब्रैकेट लेते हैं, और यहां पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम आर पी, अगेन मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज, समझे, समझ आया कि सर। समझ गया सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना ए निकाला, क्या निकाला, अमाउंट निकाला, फिर उस अमाउंट में से अगेन अमाउंट निकाल के उसमें से परसेंटेज निकाल के हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे देखिए, मैंने कोड मास मेथड में देखिए ब्रैकेट का पूरा ख्याल रखा, जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं तो अपनी ब्रैकेट का पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है, ठीक देन ओके किया। और मैं इसको यहां पे करता हूं सेव, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो गई एमआरपी हमारी, हाँ हो गया ना सर। ओके ओके तो इस तरह से ठीक है हम ठीक है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये अच्छा जो ये अभी जो अभी हम हम लोग लोग एमआरपी डाल एमआरपी रहे हैं डाल रहे हैं, अमाउंट डाल रहे अमाउंट हैं डाल रहे हैं ना, हाँ, तो अगर तो हम अगर चाहें हम कि चाहें उसके तो उसके सामने सामने करेंसी क्या करेंसी है वो क्या है वो लिखे लिखे, जैसे जैसे अपना आईना अपना हो आईना हो गया गया, इसके या लिए जैसे आप एमआरपी यूएसबी आपने यहाँ पे डाला, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना, हाँ तो फॉर्मेट में जाइए और ए रहा रुपीज का सिंबल, करेंसी ओके में। अब मेरे पास रुपीज का सिंबल है बट आपके पास डॉलर का सिंबल, किसका सिंबल होगा, डॉलर, डॉलर का क्योंकि अब डॉलर क्यों होगा, तो तो मुझे अगर मुझे कुछ अगर डिफाइन करना है डिफाइन मतलब करना हो तो कुछ भी रखूं मैं रखूंगा यूएसडी यूएसडी रखूं आईएनआर रखूंगा, आईएनआर रखूं रखूंगा, या
तो सर क्योंकि आपको एक जीबी अलग की कॉलन रखनी रखनी बनाना, है। यहाँ पे विजुअल है, यहाँ पे यूएसडी अलग आएगा, यूरो आएगा, फिक्स फॉर्मेट है ये, इतना ही फॉर्मेट आएगा, इसमें कुछ खास चेंज नहीं। आप इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ऐसा है, कोई कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, ठीक अच्छा, है। तो एक और अलग से इसको अलग से कॉलम डालना कॉलम पड़ेगा डालना पड़ेगा। करेंट जी हाँ जी, एड्रेस अभी अब इसका कैप्शन एंड डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगा। अब डिफॉल्ट वैल्यू कोई टेक्स्ट डाल देंगे तो फिर कैलकुलेशन में एरर आएगा आपको, ठीक है ना में। सर। ठीक है इसलिए ठीक इसलिए हमने किया है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कैप्शन आईना आ गया ना हमारे, तो यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए था ना। कैप्शन दे सकते हो, यहाँ पे दे दीजिए कि अमाउंट इन INR, इस तरह से दे सकते हैं आप, या USD, ठीक। कुछ इस तरह से दे। अब वहां पे जो कैप्शन चेंज करेंगे, वो कैप्शन हमारे जो फील्ड का हेडिंग है ना, वो कैप्शन कहलाता है। जो कैप्शन डालते हैं आप, कैप्शन जो यहाँ डालते हैं, कैप्शन जो होता है हाँ वो फील्ड हेडिंग होता है, ये है, इसको कैप्शन कहा जाता अच्छा, है। वो अच्छा, अपना वीपी वीबीए का फॉर्म का की फॉर्म जैसा। की जैसे। जी हाँ, ठीक है। ओके ठीक। जी अब कैलकुलेटेड में मेरा एडिशनल कलेक्शन में यहां पर 2 कर देता हूं, यहां सेव करता हूं। यहाँ इनवैलिड है, ठीक इनवैलिड क्यों आ रहा है? ओके, बताइए इनवैलिड क्यों आया? ये हमने ये हमने डेसिमल डेसिमल प्लेस प्लेस तो हमने नहीं, टू तो हमने बनाया टू ना। बनाया है। यहाँ पे MRP/INR डाले हैं, आप फील्ड नेम चेंज करेंगे तो आपको फॉर्मूले करने जाके तो फील्ड नेम चेंज करना पड़ेगा, अच्छा, हाँ। समझे। इसका भी पूरा ध्यान रखिएगा कि जब आप फील्ड का नेम चेंज करते हैं तो उसके अंदर भी जाके चेंज करना हो, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं अभी अपने से। यहां से मैं हटा देता हूं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे MRP होगा ना, ठीक है। अब आगे सर, अब आगे इसका ध्यान रखिए, ओके।